ना भाई, और आप सबने साथ में कहना है क्या? हाय हाय हाय, ठीक है, डन, ओके, सबने साथ में 1 2 3 आ जाओ सोनिया माइक। अच्छा जी, यहाँ पे मसाज, ओए ओए, यहाँ पे मसाज हो रहा है भाई। आपने तो ये मालशिया हमारे साथ है, आप मसाज कर रहे हैं, इसको कूट रहे हैं? नहीं नहीं, मसाज हमारा पाकिस्तान का मसाज तो ऐसे ही होते हैं। नहीं मतलब मैं तो पहली दफा ऐसा मसाज देख रही हूँ पाकिस्तान में। नहीं नहीं, क्यों ऐसा मसाज देख रहे हो? देखो हमारे पास तो दर्द कम कहाँ होगा, दर्द बढ़ जाएगा। नहीं, आरजी तौर पर जो है ना बढ़ेगा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम आएगा। अच्छा, ये हथौड़ा क्यों है? असल में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केस आते है ना। हाँ। तो कभी कभी दिमागी मसला होता है, पेच वेच ढीले होते हैं, तो हम एक अपना 1.5 इंची का की लेता है, इधर रख तो ऐसे दो फायदे। हाँ। ऐसे दो फायदे, कभी कभी दाढ़ में दर्द होता है तो दांत निकालने के लिए ऐसे खोलते, ऐसे मुंह में रखते हैं, खर्च करके निकालता है दो दांत बार। अच्छा, और अगर नाक में दर्द हो तो इससे? ओ तो इसको यहाँ से मारो, एक नाक, आजकल नाक लंबा होता है तो लोग सर्जरी करते हैं, बोलते मेरा नाक लंबा हो गया, 1 इंच कम करो, उसके लिए भी यही इलाज, यहाँ से पकड़ो एक मारो। वाह, आजकल तो सर्जरी इतनी महंगी होती है, आप तो बड़ी सस्ती करते होंगे। जरूरत नहीं है, अगर नाक मोटे है तो कोई बात नहीं, इधर से मारो एक एक धार, और नाक टेढ़ी हो तो इधर से मारो। हाँ, बस अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का बात है, अलाइनमेंट का। अच्छा। इसका दिखाओ, ये सही है थोड़ा, इधर से टेढ़े, बस बस बस, नहीं नहीं अभी इसका सही है, अभी इसका सही है, अभी शादी नहीं कराना हमने इसका, अभी ठीक है। हाँ, वो इसका तो, बोटॉक, बोटॉक का भी मसला होते हैं। हाँ, उसका क्या करते हैं? जो का छोटा बोट होते हैं। हाँ, होन को बड़ा करने के लिए, होन को बड़ा करने के लिए ऐसे में एक मुख मारते हैं, रप करके मारता हूँ। अच्छा, अगर अगर दिमाग जरा हिल जाए तो उसके लिए आप अपने साथ कभी कुछ किया है? हथौड़े के साथ कभी दिमाग? हमारा दिमाग तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बिल्कुल, क्या बात की है। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना मसाज करना हो तो फिर आप क्या करते हैं? अपना मसाज करते हैं तो फिर हम जो है ना, हमारे पास एक कुर्सी है, ओके, उस कुर्सी के ऊपर हम बैठते हैं, उस कुर्सी पे सारा ऐसा 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 हिलते हैं, वो कुर्सी हिलता है। हाँ, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ओके, वो कुर्सी आपके घर पे? हाँ, वो कुर्सी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, वो लेकर नहीं आ सकते। चले कोई बात, नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश करें। हम गाड़ी अपने वो अपने गोलपाने को बोलता है पीछे से, हमें जो ना डांटो, वो डांट दो कुर्सी मुर्सी के साथ सारा कुछ ऐसा ऐसा। ऐसा गुलपाड़ा तो सबके पास है। हाँ। हाँ ना? अच्छा जी, आज हम आपको बताते हैं कि ये तो मालिश यहाँ पर हो ही रही है, और मालशियों जो है वो अक्सर आपको रोड पे नजर आते हैं, और अक्सर मर्द हजरात वहाँ पे बैठे होते हैं, अपने सर की मालिश कराते हैं, गर्दन की मालिश कराते हैं। तो बाय द वे, आज हम आपको मालिश करना तो बताएंगे कि मालिश कैसे होनी चाहिए, लेकिन मसाज बताएंगे। मसाज जरा डिसेंट अच्छा लफ्ज है ना, मतलब उर्दू में तो उसको मालिश ही कहेंगे, लेकिन मसाज, अब आप भी आज से मसाज करने वाले हैं, ठीक है? मालिश नहीं, मसाज। मसाज तो आजकल फ्री हो गए, हर किसी के मोबाइल से सीधा सीधा हो जाते हैं, वो तो बात नहीं है। ये असली काम तो ये है, वो मैसेज होता है, ये मसाज है, मसाज। अच्छा, मसाज। ठीक है, आज हम आपको द मॉर्निंग शो में हर तरह के दर्द के दर्द का इलाज बताएंगे, चाहे वो कोनियों में दर्द हो, अक्सर गर्दन में यहाँ पे दर्द होता है, दाढ़ का दर्द हो, आपके सर में दर्द हो, आपके पैरों की उंगलियों में दर्द हो, आपकी हड्डियों में दर्द हो, आपके हाथों की उंगलियों में दर्द हो, जिस्म का कोई भी एक हिस्सा ऐसा होता है, शोल्डर में अक्सर लोगों को दर्द रहता है, तो हर तरह के दर्द का इलाज आज द मॉर्निंग शो में हमारे एक्सपर्ट्स आके आपको बताएंगे। लेकिन दिल के दर्द का इलाज तो नहीं के पास होगा। हाँ। मेरे पास नहीं है दर्द, दिल के दर्द का इलाज है आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, वो कैसे? शादी करो। हम मुसलमान होने के नाते, हम मुसलमान होने के नाते जितना भी हमारा सॉरी, हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी दिल दल का बीमारी में मुबतला है, हमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। आगे वो उनको देखो भाई, कैटरीना कैफ को मैं रोजाना फोन करता हूँ, रोजाना। अच्छा, वो नहीं उठाती, ये अलग बात है। ओके, और आपको कौन कॉल करता है वहाँ से? वो वहाँ से पता नहीं कोई है, करीना तो आपको कॉल करती होगी, है ना? नहीं, एक अजीब सा आदमी होता है, वो कमीना होता है, करीना नहीं होते।
वो ऐसा हमें डांटता है, ऐसा हमें डांटता है, हम चुप हो जाते हैं, हम बोलते हैं अच्छा सुने, माहिरा खान आपको कॉल करती हैं? नहीं, क्या करती है, काश हमें करे। हम अक्सर अपना, हमारा पड़ोस में एक है, हमारा दोस्त है ना, हम उसको बोलते हैं तो हमें कॉल करो, बोलो मैं माहिरा हूँ। बदल खोज कर लेते हैं ना। लेकिन फवाद खान ने तो जरूर कॉल की होगी, क्या फायदे। हाँ हम पठाने लेकिन हम मर्दों मर्दों का कॉल नहीं सुनते। ओके, हम सोनिया लोगों से पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप में से कोई ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस को तो कोई तकलीफ ही नहीं होती, ना ये लड़ती है, ना ये हंसती है, ना बोलती है। आज सिर्फ मैंने कहा इतनी तालियां बजाएं कि आपके हाथों में दर्द हो जाए और मैं आपके हाथों का इलाज करवाऊं। अक्सर आंटी आप बताइए, आपको कोई जोड़ों का दर्द या किसी भी दर्द का कोई सामना करना पड़ा, कोई दर्द रहता है आपको, सर दर्द या किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द रहता हो आपको, है ना, बताएं। आंटी माइक पकड़े। हाँ, टांगों में दर्द रहता है मेरे बहुत ज्यादा। अच्छा, घुटनों में या बाकी किसी हिस्से में? हिप के साइड पर बहुत। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो उम्र का तकाजा है ना। आंटी दुआ करो। नहीं नहीं, एक साइड। कितने सालों से दर्द है आपको? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल से? चले ठीक है, आज हम आपको उसका हल बताएंगे। आपको आंटी कोई दर्द रहता है? नहीं रहता। आपने ये सुन लिया ना उम्र का तकाजा, तो आपने कहा ये मुझ पे ना जुमला आ जाए, है ना। अच्छा, यंग लड़कियों को किसी दर्द का सामना, सर का दर्द या शोल्डर का दर्द या कोनी का दर्द, किसी और को दर्द? अच्छा आपको? चलें जी, मैं इनसे पूछती हूँ। आंटी मैं आपको इलाज बताती हूँ, आप बताइए। हाथों में, हर पर उंगलियों में दर्द है ना, हाथों की उंगलियों में। रीजन क्या है? कभी किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, दवाई ली, सही हो जाता है। अच्छा, दवाई लेती है, सही हो जाता। कितने अरसे से आपको दर्द हो रहा है? ज्यादा टाइम नहीं, 1 महीने से हो रहा है। 1 महीने से हो रहा है और रीजन नहीं पता कि क्यों हो रहा है, और दवाई लेती है और सही हो जाती है। ठीक है, चले ठीक है, हम बात करते हैं। डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, कि इतनी यंग एज में आपको हाथों में, हड्डियों में होता है या ओवरऑल? हड्डियों में, बस हड्डियों में। अच्छा, बड़ा खतरनाक दर्द है और नहीं होना चाहिए। आजकल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हम हड्डियों के दर्द पे बात कर रहे थे, कि अक्सर लोगों को और यंग एज में, क्योंकि विटामिन डी की भी कमी है तो इस वजह से भी ठीक है, और हड्डियों का दर्द रहता है। लेकिन आपको? हाँ जी बताइए। अक्सर दर्द होते रहते हैं ये सर। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, बिल्कुल लग रहा है कि आप माइंड कर रही हैं। सर में दर्द होते हैं? सर में दर्द? जी, आधे सर में दर्द होता मतलब है या पूरे सर में दर्द? नहीं, कभी कभी यहाँ पे होते हैं, कभी यहाँ कनपट्टी पे, जो यहाँ वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दर्द रहता है। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, दिखाया था, वो पैनाडोल मतलब वो खा ली। ठीक है, वो खाते उससे सही होता है? नॉर्मल होता है, पूरा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी ने आपको कहा ये माइग्रेन है या कौन सा? आंखों में दर्द होता है? हाँ, कभी 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 कभी। चलिए, ये भी हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। ओके, और कोई दाढ़ का दर्द, कान में अक्सर लोगों को दर्द रहता है, आप बताए। पैरों का दर्द है ना, और ये पिंडलियाँ होती है ना, ये पिंडलियों का दर्द? दाढ़ में दर्द है, दाढ़ में दर्द है अभी भी? अच्छा, जी हाँ, बस ऐसी इसकी वजह से, कोई मीठी चीज खा लो या कोई चाय वगैरह या कोई बबल वगैरह, इसकी वजह से। अकल दाढ़ आ रही होगी आपकी। दाढ़ को दिन में 3 मरतबा मालिश करो, सही हो जाएगा। बस ऐसी। अच्छा, आपने क्या क्या जो हर्बे इस्तेमाल किए? कभी कोई लौंग रखा, कभी कुछ? डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेकर आई हूँ, उससे फर्क पड़ा? हाँ, कल फर्क पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा सूजन आई हुई थी, अभी भी पूरा चेहरा भी सूज गया होगा। ये दाढ़ का दर्द आपको होता है कि बस आप निकाल दें? और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको लगता है कि कान का दर्द शदीद बुरा दर्द है, और कभी कान में दर्द, आपको दिल चाहता है बस कान को आप काट के फेंक दें? दाढ़ में दर्द कहते हैं, दाढ़ का दर्द बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तकलीफ दे होता है, आपका दिल चाहता है दाढ़ निकाल के फेंक दे, मतलब वो वाला होता है जिस्म के किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह। तो आज हम हर तरह के दर्द की बात करेंगे। एड़ियों में अक्सर लोगों को दर्द होता है, पिंडलियों में अक्सर लोगों को दर्द होता है, कान में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, दिल के दर्द के अलावा हर दर्द का इलाज हम करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, लेकिन अगर आपके पास दिल के दर्द का इलाज है तो हमें जरूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद।
बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं। हर दर्द का इलाज होगा आज इंशाल्लाह ताला और आपको निजात मिलेगी 100%, मेरा ये दावा है और हमारे एक्सपर्ट्स आज आके भी ये दावा करेंगे। और आप घर बैठे किस तरह मसाज कर सकते हैं, क्या प्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए खुद भी, कि अगर हमें सर में दर्द हो रहा है तो हमें सर किस तरह दबाना है, या अगर हमें सर को बांधना भी है, क्योंकि अक्सर खवातीन सब्जियां काटते हुए आपने उनको घरों में देखा होगा कि जोर का एक दुपट्टा बंधा हुआ होता है, कुछ यहाँ पे बांध लेती हैं, कुछ कोनी पे बांधा हुआ होता है, या लगा ले धड़ाधड़ मसाज कर रही होती है यहाँ तक कि नील पड़ जाते हैं। ये मेरे सामने की बात है, क्योंकि कुछ लोगों को नील जल्दी पड़ते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं जब मसाज करती हूँ, मुझे कहीं दर्द होता है, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से उसको ना मसाज करती हूँ कि मुझे नील पड़ जाते हैं। तो आज आपके साथ साथ मैं भी सीखूंगी कि मसाज करने का सही तरीका क्या है, या फिर घर पे आप खुद अपनी मालिश, अगर किसी से मालिश करवाती हैं, किसी मासी से, किसी जो हमारे पास मासियाँ आती हैं उनसे मालिश करवाते हैं, तो वो किस हद तक होनी चाहिए, कौन सा दर्द सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, तो इस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर एड़ियों का दर्द जो कि बहुत मुश्किल से जाता है, और ट्रस्ट भी मैं कहती हूं कि आज तक मुझे पैरों का मसाज कहीं पे भी वैसा नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी सोच है कि यार पैरों का मसाज ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम हील्स पहनते हैं, सारा दिन खड़े होते हैं। इसी तरह मेरी तरह, मैं तो शो करती हूँ लेकिन हमारी बहनें हर वक्त किचन में खड़ी होती हैं, बच्चों के पीछे भाग रही होती हैं, उनके पैरों में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन बेचारियों को कोई मसाज करने वाला नहीं होता या उनको नहीं पता होता कि वो उससे कैसे निजात हासिल करें। तो आज हम आपको छोटी छोटी टिप्स भी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इधर से शुरू करूँगी, और मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त और बहुत प्यारी हमारी एक्ट्रेस मॉडल ज़ेबा आली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा, क्या हाल है? ठीक है, मैं यहाँ से इसलिए शुरू किया क्योंकि हम लोग वंस इन ए ब्लू मून कभी कभी जाके वो जो मसाज करवाते हैं, है ना, और उसके बाद हम बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा एक ड्रीम मसाज है, ठीक है, वो बड़ा रेयर मिलता है, वो कभी कभार कभी है ना? मुझे तो लाइफ में एक, हालांकि मैं हर ट्रिप पे मसाज करवाती थी, ये मेरा मतलब जिस तरह आप शॉपिंग करते हैं इस तरह आपका एक डे मसाज का होता ही होता है, मेरी लाइफ का हिस्सा है बिल्कुल। लेकिन मुझे जिंदगी में एक ही दफा एक मसाज मिला था और मैं कभी नहीं। कहाँ पर? दुबई में था, लेकिन इट वाज सो प्रोफेशनल। उस बंदी को प्रेशर पॉइंट्स इतने कोई जबरदस्त तरीके से पता थे कुछ लोगों को कि आई कुड फील द ब्लड सर्कुलेशन राइट आफ्टर दैट मसाज। इट वाज ब्यूटीफुल। और आई थिंक आप दिल से भी करें एक जगह, बाय द वे यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगी, हुमैरा देख रही होगी जो हुमैरा कहेगी मैं इसका इतना दिल से मसाज करती, इतना जबरदस्त मसाज करती। तो हुमैरा अभी मैं आपका नाम नहीं ले सकती आपके सैलून का, लेकिन बाकी बहुत अच्छा करती है, लेकिन किसी दिन आपको बुलाऊंगी शो में और मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा करती है। लेकिन फिलहाल एक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे मिलवाना चाहूंगी, और शायद आपने कभी उनको मिस कर दिया, आप ना गई हो, तो आज आपके पास मौका है, आप वहाँ पे जा सकती हैं। और यहाँ पर मेरे साथ कॉरल स्टूडियो से मौजूद है निशाद। अस्सलाम वालेकुम निशाद, कैसी हैं आप? ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आज आप हमें क्या क्या बताने जा रही हैं और आप क्या क्या करती हैं मुझे बताइए। वैसे तो देखिए सैलॉन्स या स्पास वही कॉमन जनरल जो काम कर रहे होते हैं वो करते हैं, मगर मैं एज अरोमा थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ, ठीक है, जो कि डिफरेंट है अभी, और बेसिकली ये एसेंशियल ऑयल्स पे बेस्ड काम होता है, ठीक है। और योग का कुछ बताया जी, ये क्योंकि मैं योगी भी हूँ इसलिए मैं योग अरोमा बाय कॉरल स्टूडियो जो है ये मेरा एक नया ग्रुप है, ठीक है, मैं स्टार्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, योग अरोमा? एक्चुअली योगा जो है जिस वक्त हम मेडिटेशन करते हैं और चक्रास पे काम कर रहे हैं जिस पे भी, तो एसेंशियल ऑयल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं साथ, जिससे एक मेडिटेशन आपको बहुत रिलैक्सिंग फील करता है, ठीक है। तो इसलिए अरोमा थेरेपी और योगा को साथ मिला करके मैंने योग अरोमा स्टार्ट किया है। Okay. जब आप जिसमें योगा के सारे पोजेज आप कर रहे हो, बिकॉज योगा इज़ अ फिलॉसफी। योगा को अगर हम सिर्फ ये समझते हैं कि योगा सिर्फ पोजेज हैं, तो योगा एक पूरी फिलॉसफी है बिल्कुल। और जब उस पे जब हम काम कर रहे होते हैं अलोंग विद एसेंशियल ऑयल्स, तो इट रियली वर्क्स। वो वाकई
काम करते हैं मतलब. ठीक है, आज हम आपसे पूछेंगे कि कौन सी पोजीशन से कौन से आसन है जो आप हमें करने चाहिए योगा के, और कौन से ऑयल्स साथ में यूज करने चाहिए जिसके बाद. बिकॉज आपके पास जैसे इस वक्त तो एक हमारा जो टॉपिक है दैट इज एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह की चीज, और हर तरह का दर्द. बिल्कुल ठीक है, तो योगा में आई एम श्योर कि बहुत सारे दर्द का इलाज होगा. दर्द के दिल के दर्द का इलाज तो हम आगे पूछेंगे सबसे कि है या नहीं है, वो हमें कॉलर्स बताएंगे. हमारे पास हर्बलिस्ट यहाँ पे हुमैरा नाज मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? आप अपने हर्ब से हमें क्या क्या बताएंगी आज, कौन कौन से दर्द का इलाज? बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर्बल तो आपको पता है हर्ब जड़ी बूटियां जो हैं जब से दुनिया बनी है अजल से हैं जड़ी बूटियों का ताल्लुक, और तो अब तक रहेगा. हाँ, इंशाल्लाह. दर्द हम बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे किचन में भी मौजूद होती हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि उससे हम इलाज कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हम इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर बताएंगे. और ऑयल्स जो नॉर्मली लोगों को पता होता है कि ये ऑयल क्या है, हम उसमें दर्द का भी बताएंगे. जैसे कि पेट में भी दर्द होता है लोगों को, सर में दर्द होता है, कमर का दर्द होता है बहुत सारे. और आजकल आपने देखा होगा बच्चों में हड्डियों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अर्थराइटिस जो बढ़ रहा है आप देखा होगा, ये जॉइंट्स जो मुड़ना शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक बहन बैठी है, उनको भी ये इशू है, और बहुत यंग एज में ये तो हम ऐसे ऑयल्स अभी बनाना बताएंगे. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि और आजकल स्ट्रेस की वजह से भी आपको कमर दर्द होता है. मतलब लोग समझते हैं ओह कमर दर्द हो गया तो अभी जिंदगी भर नहीं जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ कि मेरी नींद सोने की टाइमिंग्स चेंज हुई, तो मुझे कमर दर्द पहले भी हुआ था, तो मैंने नोट किया कि मुझे क्यों हुआ है, तो वो मेरी टाइमिंग्स चेंज होना, रूटीन चेंज हुई, तो मुझे कमर दर्द हुआ, तो मैं परेशान हो गई. बट वो मुझे डॉक्टर्स ने भी कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें या आपकी रूटीन चेंज हो तो आपको कमर दर्द होता है, वो यहां से स्टार्ट होता है सर्वाइकल. हां, लेकिन मुझे बिल्कुल एंड में हो रहा था. दैट इज कॉल्ड L4 L5. हां बिल्कुल, एक पूरी आपकी कॉर्ड फोर है. हां बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड. लेकिन वो स्ट्रेस से भी होता है, स्ट्रेस से होता है, गलत पोस्चर से होता है. हां बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर कर्नल इरशाद अहमद खान एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, और आज मेरे कान में दोबारा पिंस लगाएंगे ताकि मैं और पतली हो जाऊं, क्योंकि वो पिंस मेरी जो है वो निकल गई थी. ठीक है, और टीम को भी लगानी, आज सारे तैयार हैं, क्योंकि सबने कहा अरे आप तो पतली हो रही हैं, हम भी लगवाएंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? बहुत शुक्रिया. वालेकुम सलाम. सर मुझे ये बताएं, आपसे दर्द पे तो बहुत बात हुई है, ठीक है, माइग्रेन पे हम बात कर चुके हैं, कमर दर्द पे बात कर चुके हैं, पेट दर्द पे बात कर चुके हैं, हड्डियों के दर्द पे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं सच में ऑनेस्टली पूछना चाह रही हूँ, अगर दिल का दर्द हो तो उसके लिए आप पिंस कहाँ लगाते हैं? एक्चुअली दिल के दर्द के लिए अगर एक डॉक्टर की हैसियत से बात की जाए, मैं तो बहुत सीरियस नोट पर बात. हाँ, मैं भी बहुत सीरियस जवाब दे रहा हूँ आपको. दिल के दर्द के लिए असल वजह तो पता होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको एक मजाक की बात करें कि दिल का दर्द. ऐसी भी कई बीमारियां हैं जिसमें दिल का दर्द होता है. Honestly. और उन बीमारियों की जब तक असल तशखीस ना हो जाए और जब तक उसका सही इलाज ना हो जाए, दर्द तो एक अलामत है, इट इज़ ए सिम्पटम. आपके उसमें है इसका इलाज? आई थिंक डिप्रेशन में ज़ाहिर है आपका दिल उदास होता है. मैंने जैसा अर्ज किया ना, एक एज ए डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना होगा कि रीज़न क्या है दिल के दर्द में. जैसे मैंने कहा, अगर आप यहाँ शुरू से चलें, स्किन के अंदर भी दर्द हो तो दिल का दर्द कह लेंगे आप, मसल्स में दर्द हो इसी जगह में तो आप उसको कह देंगे दिल में दर्द हो रहा है, हाजमी की खराबी की वजह से गैस बन रही है दिल में दर्द हो रहा है, एंजाइना का दर्द असल दिल का दर्द है, इसी तरह और दिल की बीमारियां जहां दिल का असल दर्द होता है. ठीक है, सबसे पहले तो हमको उसको तशखीस करना होगी कि इसकी वजह क्या है. वजह क्या है? लेकिन और तशखीस करने के बाद हर चीज का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर है. चलें जी, मैं आपको प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? आपके आने का बहुत शुक्रिया. और हिकमत जो है वो दर्द के बारे में, आपके पास कौन से दर्द का बेस्ट इलाज है जिस पे आप कहें कि ये तो 100% ख़त्म हो जाएगा और जल्द से जल्द ख़त्म होगा? क्योंकि हिकमत में हकीम जो है हमें हमेशा ये एतराज़ होता है कि जी उनका इलाज लंबा चलता है, और हम लोगों को आजकल आदत हो गई यहाँ से हमने गोली खाई और इधर मुँह करें तो दर्द ख़त्म. ठीक है, हम वो यूज टू हो गए. लेकिन आप मुझे अगर आज किसी एक दर्द की बात करें कि सनम आज ये वाला दर्द जो है उसका मैं आपको इलाज बताऊंगा, 100% उसका आपको खात्मा होगा, तो वो कौन सा इलाज है?
دیکھیں بات یہ بات یہی آتی ہے کہ سب سے پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ درد کی وجہ کیا ہے. خواتین کی آپ بات کر رہی تھیں کہ خواتین اکثر کچن میں کھڑی ہوتی ہیں, ان کی ایڑیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, اس کی ریزن ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور آپ کی ایڑیوں میں درد شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتی ہیں بیڈ سے, تو اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے یورک ایسڈ تو نہیں بڑھ گیا, آپ کی کڈنی کا فنکشن صحیح ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی غذا کی طرف جائیں کہ آپ آج کل ڈائٹ کیا لے رہی ہیں. یہی ہم بات, آپ اگر چاول کا زیادہ استعمال کرتی ہیں, گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یورک ایسڈ میں اضافہ ہوتا ہے. چکن کا تو ذکر کر رہے ہیں جو ہم چکن کھا رہی ہیں. چکن کا اگر میں ذکر کروں تو بہت سی باتیں مطلب ہوتی ہیں, لیکن چکن کا میں صرف ایک بتاؤں گا کہ چکن جو ہے نہیں استعمال کرنا چاہیے. خاص طور کے اوپر آپ دیکھتے ہیں آج کل ہماری ینگ ایج میں بچیوں کے ہارمونل بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, ان کے غیر ضروری بال آ رہے ہیں اور یہ چیزیں سارے اور پریشانی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ چکن کو آپ دیکھیں, آپ نے چکن کی بات کی تو 4 سے 6 ہفتے کا چکن 2 سے 2.5 کلو کا ہوتا ہے, کیسے اس کو اسٹیرائڈ دیا جاتا ہے, اسٹیرائڈ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور جب وہی اسٹیرائڈ ہم لیتے ہیں, ہماری بچیاں استعمال کرتی ہیں, بچے استعمال کرتے ہیں, تو ان میں ہارمونل تبدیلی آ جاتی ہے. تو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ فش کو استعمال کرنا چاہیے. بہت اچھی ہے فش, اور جو سامنے آپ نے ٹریس جا کے رکھی ہوئی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے, ان کو چیز لینا چاہیے. ان کا استعمال کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. میرے پاس اکثر کلینک میں بچیاں آتی ہیں, ان میں ابھی آپ نے بات کی آسٹوپراسس کی یا آرتھرائٹس کی. اچھا آسٹوپراسس آج کل اس لیے بہت زیادہ ہے کہ بچیاں دودھ نہیں لیتی, کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, کہ وائٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے آپ کو کیلشیم میں باڈی کو جذب کرنے کے لیے. اچھا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچیاں دودھ کا استعمال نہیں کرتی, غذا نہیں لیتی صحیح طرح سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں, گھر ہوتے ہیں ہمارے, بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ دھوپ کا گزر نہیں ہوتا, دھوپ روز سورج کی روشنی نہیں جاتی, جس کی وجہ سے بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہے. کچھ نہ ہونے سے اچھا ہے کہ ڈبے والا دودھ ہی پی لیں. ڈبے والا دودھ ویسے زیادہ برا ہے, زیادہ برا ہے نا, لیکن وہ جو سرف والا دودھ بنتا ہے جو بیچتے ہیں ڈبے میں, جتنا کچھ ملایا وہ اس پہ ہم شو کے بعد کوئی باڑا ڈھونڈے, ٹھیک ہے, کوئی باڑا ڈھونڈے وہاں سے دودھ منگوا لیا کریں, ہے نا, بہتر یہی ہے, تھوڑا سا محنت کر لیں. کام ساری چیزوں کو کہتے تو ہیں, بیکاز اگر سسٹمیٹک, اب تو ہم آرگینکس پہ آ ہی گئے ہیں, سسٹمیٹکلی آپ جو بھی چیزوں کو کھائیں گے, نٹس بھی اگر آپ صبح اور لنچ کے ٹائم تک کھائیں گے آپ کا ویٹ گین نہیں ہے, رات کے وقت آپ نٹس کھائیں گے آپ کا ویٹ گین ہے. اوکے, اچھا بائی دی وے آج کل میں دیکھ رہی ہوں, خیر نٹس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر میں آپ سے شروع کروں اور آپ ہمیں یوگا کا کچھ یا ہمیں آئلس کے بارے میں بتائیں اور درد کے بارے میں بتائیں ہم. اور ایک میرا سوال ہے, کیونکہ شو پہ آ کے ٹائم نہیں ملے گا, ایک ہوتا ہے صبح اٹھتے ساتھ مارننگ جو ویک اپ ایکسرسائزز, کچھ ایسے اسٹیپس جو کہ ایک نارمل لڑکی لڑکا یا ہیومن باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہو, جس سے وہ اپنے ڈے کی شروعات کرے, تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی آرگن یا کوئی سائٹ خراب ہو تو ہم کوئی اس کا کریں, پہلے سے کیوں نہ کریں. بہت اعلیٰ, بہت اچھی بات, ضرور ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, ہم کھڑے ہو کے وہاں پہ کسی آنٹی کو بھی بلکہ ہم بلا سکتے ہیں, کسی بہن کو بھی بلا سکتے ہیں, ہم خود بھی بلکہ کر سکتے ہیں. تو ہم آئی تھنک شروع کرتے ہیں, اور سر پھر میں آپ سے پنس لگواؤں گی اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ کان میں درد ہو یا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, پیٹ کا درد ہے اور جوڑوں کے درد کا, ٹھیک ہے, اوکے, آ جاؤ زیبا, ہمارا آپ بھی آ جائیں. چلے جی, ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور سر اور حکیم صاحب اگر آپ یہاں پہ بیٹھنا چاہیں تو آپ بالکل آ کے بیٹھ سکتے ہیں تاکہ سامنے بات ہو سکے. اوکے جی, آپ کہاں سے شروع کریں گی؟ اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں جیسے کہ ابھی مساجز ہو رہے ہیں, ہاں, تو اس کے ہمیں پریشر پوائنٹس بتا دیں. یہ پریشر پوائنٹس ایسے ہیں, یہ ایکچولی ریفلیکسولوجی سے بیسڈ کرے گا جو بھی مساج ہم کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے بیکاز آپ کا جو یہ پیر ہے, اس پورے پیر میں آپ کی باڈی کی پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, جیسے جس جگہ کے اوپر یہ پرٹیکولر جو جگہ ہے, میں مائک لگا کر آ رہی ہوں ایک سیکنڈ, جی جی, یہ اگر سر میں تکلیف ہے تو اس والے پورشن کو دبائیں گے, دیٹ از ڈائریکٹلی ٹو برین جاتا ہے. آگے اس جگہ کے اوپر ہارٹ ہے, یہ پورا جس طریقے سے ریفلیکسولوجی ہوتی ہے ہاتھ میں اور پیر میں, پوری باڈی کے سارے آرگن ہمارے ہاتھ اور پیر کے اندر ہیں. یس, دیز آر دا پوائنٹس. یہ آپ کا دل ہے یہاں پہ, یس, یہ آپ کا برین آ گیا,
ये साइनस की जगह आ गई। ओ ये सारे ऑर्गन आपके पूरे हाथ के अंदर आपके पूरे ऑर्गन मौजूद। अच्छा ये हाथ में या पैर में? दोनों दोनों में, दोनों में है। ओके ज्यादा तो असर कहाँ करते हैं? पैर हाथ में। पैर में, पैर, पैर में ज्यादा असर करते हैं। तो आई थिंक फिर हम है ना पैर पे ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर। जिस वक्त अब अगर कोई फील कर रहा है डिप्रेशन या सर का दर्द या क्राउन एरिया में उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये टिपिकल। अच्छा क्राउन एरिया से मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा उर्दू वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि लोग समझ सके। क्राउन एरिया यानी ये क्राउन एरिया, लेकिन मैं वो चाहती हूं ताकि लोग समझ सके। ठीक है उर्दू में भी हम वो चीज अगर रिपीट करें ताकि लोग आसानी से समझ सके कि कौन सा क्राउन एरिया। क्योंकि मैं इस वक्त योगा अरोमा पे कर रही हूँ काम, तो योगा में हमारे साथ चक्रास होते हैं जो कि रूट कहलाया। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिन्हें चक्रास का पता ही नहीं है। तो उस पे तो एक अलग शो हो सकता है ना पूरा अवेयरनेस का। ये पूरा मैंने आपको कहा जैसे योगा इज अ फिलॉसफी, हम सिर्फ उसको पोजेस पे ले रहे हैं। तो जब उस पे जब हम काम करते हैं और साथ में एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे होते हैं तो वो पूरा वर्क कर रहा होता है। सही, ठीक है। ऐसे कौन सा ऑयल ज़्यादा दर्द को जज्ब मतलब अपनी तरफ खींचता है? और अगर हेडेक है सबसे बेहतर तो लेवेंडर ऑयल है जो कि हर एक को सूट करता है। ठीक है। आपको रात को नींद नहीं आ रही है लेवेंडर ऑयल का एक पाउच लीजिए, जैसे मेरे पास इस वक्त मौजूद भी है। मैं इस वक्त वैसे तो मैं कॉरल स्टूडियो से हूँ मगर मैं इस वक्त जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई भी हैं दैट इज़ फ्रॉम स्पासीलोम। ठीक है। इनके पास बहुत सी चीज़ें मुझे तैयार भी मिल जाती हैं और बहुत बाकी फिर मैं जो थेरेपीज कर रहे होते हैं उसमें आप ऑयल हम खुद बनाते हैं। ठीक है। ये दीज आर दी पाउचेस, लेवेंडर के पाउचेस हैं साशे के फॉर्म में। ठीक है। अब ये कोई अगर कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है रात को तो बजाय हाँ तो ये हम पिलो के नीचे रख दें। अगर आप इतनी साउंड स्लीप सोएंगे आप देखिए स्मेल तो इसके अंदर इसको खोल भी सकते हैं। खोल भी सकते हैं ये अगर पैक नहीं है तो फिर नहीं। बाकी आप देखो इसमें ये पूरे साशे हैं और इसके अंदर ये लैवेंडर्स भरे हुए हैं। राइट, ठीक है। तो ये हमने ये तकिए के साथ बिल्कुल आपको बहुत तो आप वैसे ही रिलैक्स आप सोएंगे जब उठेंगे तो आप वैसे ही रिलैक्स हुए हुए होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। ओके, और फिर ये सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ये ऑयल डायरेक्ट लगाना? नो नो नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अगर कोई भी ये ले आया और वो तो डायरेक्ट इसका पैर पे मसाज करना शुरू हो जाएगा तो एक तो इसीलिए जरूरी है। आपने इन ऑयल्स को किस ऑयल में मिक्स करके लगाना है? बिकॉज़ देखिए ये जो लेवेंडर ही अगर हम मिसाल लेते हैं क्योंकि ये सबसे सूटेबल ऑयल है जो हर एक एसेंशियल, तो मतलब प्योर एक एसेंशियल। एक्चुअली मिलियंस ऑफ प्लांट्स, मिलियंस ऑफ फ्लावर्स और हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट होता है एक एलाइजर के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। और वो बहुत तेज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सिर्फ एक ड्रॉप एग्जैक्टली पूरी बॉडी पे काम करता है। वाओ, सो वो बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि इसको डाइल्यूट किस ऑयल के साथ। इसके लिए हम एक बेस ऑयल बनाते हैं। आप कभी भी एसेंशियल ऑयल जो है वो डायरेक्टली बॉडी पे नहीं लगा सकते, आपकी स्किन छिल जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ जल जाएगी, मतलब वही मैं कह रही हूँ खराब हो जाएगी। एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप आपकी पूरी बॉडी पे काम आएगा, लेकिन वो एक ड्रॉप जो है वो किस ऑयल के साथ मिक्स करना है ये हम सवाल। वैसे मैं तो बेसिक ऑयल के साथ भी कर लेती हूँ बिकॉज मैं बड़ा इस चीज में ऑलिव ऑयल सालों से। हाँ, तो ये जो आपके बड़े सैलॉन्स में ऑयल मिलते हैं या हम थाईलैंड जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें बड़े बेसिक ऑयल मिलते हैं बॉडी ऑयल, तो वो बहुत लाइट होते हैं उसके साथ मिलाएं तो बड़ा अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका बेस है वो करियर ऑयल में हमने इनको मिलाना होता है, वो कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। अगर हमने स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो एवोकाडो, नारियल का तेल, नारियल का तेल, एवोकाडो ऑयल और रोज ऑयल नहीं मिलता मैंने एवोकाडो ऑयल और रोज ऑयल पाकिस्तान में। तो मैं अभी बेस्ट है ये स्किन के लिए, पेपर में पाकिस्तान में मिलता है नहीं। ये लेवेंडर है, मेरे पास एवोकाडो हैगा।
लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। नहीं वैसा कोई खास नहीं है ये बर्गमॉट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आसान बात करूंगी मैं कि आप नारियल का तेल, जैतून का तेल, उसमें आप ये ऑयल मिक्स करके लगाएं, जो लोग अवेलेबल जो रीच भी हो, जहाँ तक लोग पहुंच सकें, जो ले सकें, जो अफोर्ड कर सकें। एक ये है स्वीट आलमंड, दैट इज राइस ब्रान, आलमंड इज आल्सो वेरी गुड, बादाम का तेल, बादाम का तेल, मैं ही रिपीट कर रही हूँ, आप नहीं रिपीट कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है, इसी काम के तो पैसे मिलते हैं, इसमें भी तालियां। ये रहा है ठीक है, हाँ ये क्या है, ये एवोकाडो, हाँ बिल्कुल। ये एक बॉटल कितने की है, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, मिल ही गया आगे तो मुझे सनम के शो में। वैसे सनम के शो में आने का हर दफा कोई ना कोई फायदा होता है। 3,000 की इतनी बॉटल है, क्या आप ये बॉटल खरीदेंगी? नहीं खरीदेंगी, मुझे पता है, इसलिए इसको फेंक ही देते हैं। मैं भी नारियल का तेल और जैतून का तेल इस्तेमाल करूंगी, और वो बेस्ट है। अच्छा, तो एक ड्रॉप आपने बताया पैरों के दर्द के लिए, पैरों के आपने प्रेशर पॉइंट हमें बता दिए कि और प्रेशर कितना होना चाहिए, ऑफकोर्स जो हर्ट ना करे, ऐसा कुछ लोगों को बहुत हार्ड वाला मसाज अच्छा लगता है, इट डिपेंड्स क्योंकि आप, वो बुरी बात है गलत बात है, नहीं बहुत हार्ड नहीं, बिकॉज अगर आपको इस वक्त कुछ डिप्रेशन हो रहा है और हमने दिल के एरिया के लिए करना है मसाज, और बहुत जोर का मसाज एरिया के लिए, दिल के एरिया के लिए, दिस इज ये पैर पे, ये दिल का दर्द डायरेक्टली आपके दिल पे जाती है, ये मिल गया दिल का दर्द। आपने कॉल नहीं की लेकिन हमें जवाब मिल गया, हमने आपको बता दिया। अच्छा, दिल के दर्द का मुराद ये नहीं होता कि आपको प्यार में धोखा मिले, आपका महबूब कहीं चला गया हो तो आप आमिल बाबा के पास जाएं, बंगाली बाबा के पास जाएं, आप पैर पकड़े अपना और दिल का मसाज करना शुरू कर दें। मैं बता दूं, हाँ महबूब कदमों में ही है आपके, देख ले जो आपके कदमों का मसाज कर रहे हैं उसको इमेजिन कर ले, आपका महबूब है और रिलैक्स हो जाएंगे। और घर में पैसे की कमी हो, डिप्रेशन हो, तो ऑब्वियसली आपका दिल दुखता है, हर्ट होता है, तो हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं, आप महबूब की तरफ बिल्कुल ना लेके जाइएगा बात को। अच्छा ठीक है, अब मैं ही बैठ जाती हूँ। अच्छा कौन सा आपने फिर दोबारा बताया, ये पॉइंट है जो कि बिल्कुल हार्ट आपके ऑर्गन्स, ये क्योंकि पूरे ऑर्गन आपके पैर के पैर में है मौजूद, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जब इस पे मसाज होगा तो आपके हार्ट के ऊपर वो फीलिंग्स जाएंगी, ठीक है, और ऑफ कोर्स सॉफ्ट रखेंगे तो और ही रीढ़ की हड्डी के लिए कौन सा है, वो तो इस पे नहीं है, बिकॉज वो तो डायरेक्टली आपकी L4 L5 तो शरीर की हड्डी पैर में नहीं है, बिकॉज ये आपके ऑर्गन्स पे काम कर, ठीक है, इसमें ऑर्गन्स हैं और वो डायरेक्टली आप उसी के ऊपर काम कीजिए, आपके हड्डी पे ही करेंगे। अच्छा ठीक है, पेट का दर्द हो तो वो भी डायरेक्ट स्टमक ये भी इसी में ही है, ठीक है, जरा थोड़ा सा क्लोज दिखा दें तो बड़ा लोगों के लिए आसान, लोगों के लिए इसीलिए, हाँ, और महबूब के कदमों में बैठ गई हूँ, मैं महबूब के कदमों में बैठ गई हूँ कि ताकि हम क्लियरली बता सके, नजर नहीं आ रहा है। अच्छा जान, आप थोड़ा सा, मैं अपनी ऑडियंस के कदमों में, ठीक है, ये एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा, और उंगलियों को अगर मसाज करें तो उससे क्या फायदा होता है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरिया डायरेक्टली ब्रेन पे जाएगा, तो जब इस जगह के ऊपर मसाज किया जाएगा तो ये जिस वक्त आपको हेडेक हो रहा है, ये उसको आराम करेगा। अच्छा, माइग्रेन और ये इसके लिए भी, सर दर्द इसको आपको होता है ना, हाँ आपको होता है ना, हेडेक्स की वजह से, चार तरह के हेडेक्स हैं जो कि माइग्रेन, साइनस और क्लस्टर एक शायद होता है, यस बिल्कुल, तो उनके लिए हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स भी हैं जो कि पेपरमिंट जो होता है वो बहुत अच्छा फायदा करता है, ठीक है, स्पेशली माइग्रेन के, उसमें कुछ डिफ्यूजर्स और इनहेल करने के लिए भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिससे बहुत आप सूदिंग इफेक्ट करते हैं। ठीक मैं आपको एक चीज अंगूठे का भी थोड़ा सा बता दें, हाँ, अंगूठा बता दें में क्या है, ये आपका मेन एरिया आ रहा है जो कि दिल, आपके ब्रेन, ये आपकी नर्व्स आ गई ब्रेन की, ये ब्रेन का एरिया आ गया, ये नीचे ऑर्गन आ गया, ये हार्ट आ गया, ठीक है, ये इंटेस्टाइन आ गया, ये लंग्स आ गए, ठीक है, वाओ, मैंने फेसबुक पे भी अच्छा अगर आपकी आंखों में, अक्सर लोगों की आंखें बड़ी भारी रहती हैं, हाँ, है ना, इसकी और ज्यादा काम, तो इतनी बड़ी आंखें क्यों है फिर, इतनी अल्लाह ने माशाल्लाह बड़ी बड़ी
लेकिन अक्सर और जिन दिनों हमारे शोज होते थे और सुबह से रात तक का काम होता था, चार दिन के बाद पांचवें दिन ऐसे लगता था ईंटें रखी हुई आंख पे और मेकअप और काफी कुछ साथ साथ होता, तो क्या करना चाहिए इसके? ग्रीन टी पीते हैं आप? हाँ, ग्रीन टी बिल्कुल। जो ग्रीन टी के टी बैग्स हैं मोस्ट अमेजिंग, और उन टी बैग्स को रख लीजिए। जी जी, वो तो हम जिस वक्त हम पेडिक्योर कर रहे होते हैं उस पानी के अंदर हम उन टी बैग्स को भी डाल देते हैं। अच्छा, वो गीले ही हो या उनको सुखा? गीले हो, गीले यूज्ड ना, यूज्ड जो हैं, यूज्ड हो, वो गीले हैं, वो आप अपनी आंखों पे रखिए तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमें एक कॉल आई, उन्होंने कहा अगर किडनी का है तो किडनी के क्या आप पॉइंट, आपने किडनी का शायद नहीं बताया। ये वाला पॉइंट, ये दिस पॉइंट, ये दिखा दे, प्लीज क्लोज बना दीजिएगा। ये किडनी का है, जो लंग्स का है वही? अरे लंग्स ऊपर है, लंग्स ऊपर है। अच्छा, लंग्स ही है, ओके, किडनी, दिस इज इंटेस्टाइन। ठीक है। और जिगर का? ये वही एरिया है, यहाँ किडनी है दूसरे, बिकॉज वैसे भी हमारे किडनी तो पीछे हैं। हाँ। और ये है लिवर। हाँ। तो ये वाला हिस्सा हमारे किडनी पे चला गया, इसका ऑपोजिट लिवर पे चला गया। ठीक है। अच्छा, जोड़ों के दर्द का कुछ है? वो तो एक्चुअली खुद जोड़ अपने ही है ना, यहाँ तो मैंने आपसे कहा कि ये तो वो तो मैं समझ, ये ऑर्गन है, लेकिन मैं वैसे अब जोड़ों के दर्द का आपसे पूछ रही हूँ कि जहाँ पे जोड़ का दर्द हो वहाँ पे आपने ऑयल से मसाज करें, बिल्कुल करना है। अच्छा, बहुत अच्छा, ज़ेबा ने एक सवाल किया था कि सुबह अगर हमारी खवातीन उठती हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करें जब बच्चों को खास तौर पर आप स्कूल भेजती हैं, ताकि बच्चों के साथ आप फ्रेश होकर खुद नाश्ता किया करें तो बच्चे आपके नाश्ता करेंगे, अदरवाइज आप जल्दी जल्दी में उनको नाश्ता करवाएंगे और ठूसेंगे उनको तो नाश्ता नहीं करेंगे, आप डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे बैठ कर उनके साथ नाश्ता करें। लेकिन माएँ अगर उठती हैं सुबह तो उनको दो तीन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी चाहिए और इवन बच्चों को भी साथ में करानी चाहिए? बहुत, बच्चे बड़ी है। एनर्जी के साथ और बड़ी एक्साइटमेंट कराना है, सो इम्पोर्टेंट या तो वो कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, वैसे हम तो खैर खवातीन के लिए तो बहुत ही ये ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद वो आ भी जाता है। योगा में तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, बट हम वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहे होते। सैल्यूटेशन है, जो कि सन के लिए सैल्यूटेशन है, इट्स जस्ट सलाम की तरीके से। चले, वो हम उसके कुछ वो आप मुझे बाद में बताइएगा। हाँ। सूरज को सलाम जो करते हैं। हाँ, वो जो एक पोस्चर होता है, वो पोस्चर्स हैं। हाँ, मतलब वही वाला एक, यस, वो पोस्चर्स हैं, हमने फिल्मों में बहुत देखा है। हाँ। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे आपको मिलेगा अगर आपने बिल्कुल जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, रात दिन मेहनत मुशक्कत की भट्टी में पिसने वाला वजूद, जिसको खुराक के साथ साथ सुकून की भी जरूरत होती है, दफ्तर में बैठा कोई अफसर हो या ईंटें उठाता कोई मजदूर, शाम को जब अपने घर लौटता है तो उसका जिस्म थकान और दर्द से चूर होता है। इसके अलावा कोई पुरानी चोट भी हो सकती है जिसका दर्द रहती उम्र तक नहीं जाता, और लोग इन तकलीफों और दर्दों से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। कोई मसाज के जरिए दर्दों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता है, तो कोई लेप को तकलीफों और दर्दों के लिए बेहतरीन तरीका इलाज मानता है। सर से लेकर पांव तक जितने भी जोड़ हैं कहीं न कहीं दर्द से दोचार हो जाते हैं, इनसे फ्री इलाज हर कोई चाहता है, तो जिस्मानी और जहनी थकावट से फ्री निजात पाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ये जानने के लिए देखते रहिए द मॉर्निंग शो सनम बलोच के साथ।
गाना कौन सा? गाड़ी को चलाना को भूख लग गया था, हमने कहा खजूर खिलाते। अभी तो एक बात समझ नहीं आ रही, ये क्या चीज है? ये आप, ये मगज है, इससे दिमाग है हमारा। ये तो बात मेरे को भी समझ में आ गया, लेकिन ये इसमें से निकला कैसे ये नहीं समझ आ रहा। सोनिया इधर आ जाओ, सोनिया इधर आ जाओ मेरे पास। चले जी, हुमैरा हमारे साथ है, आप भी सीखे कुछ यहाँ से, टिप्स आपको मिलेंगे। खजूर यहीं से लेके गए, यहीं से लेके जाए। ओके, और हकीम साहब आप भी हमारे साथ है, तो पहले हमें कौन बताएगा हमें कौन बताएगा पहले, और किस दर्द का हमें इलाज बताएगा आप? देखें, सबसे पहले फौरी तौर पे ऐसे दर्द जिसको आप कहते हैं घर में काम करते हुए कहीं ना कहीं मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है, उसके लिए फौरी तौर के ऊपर हमारे पास ये काफूर है और ये अच्छा, है अब एक तो आप ना मसल पेन जो है ना, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता चलता ये मसल पेन है। आम अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, बल्कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि आम अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि एक ही बात अच्छी लगी। नहीं, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, और दूसरी बात एक और बात भी मुझे अच्छी लगी कि आपने कि ऐसी चीज़ हमें अपने नाजरीन को बतानी चाहिए जो उनकी पहुंच में हो, कुव्वत खरीद में हो, और आसानी से मिल सके और हर जगह जगह से मुयस्सर हो। बिल्कुल, इस तरह के ऑलिव ऑयल की बात करते हैं हम, रोगन जैतून की बात कर रहे हैं, बादाम के तेल की बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, मसल से मुराद ये कि हमारे पट्ठों का दर्द, पट्ठों का दर्द। आप काम कर रहे हैं, काम करते बेध्यानी में आप एक तरफ चाय बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपने वो पराठा बना रहे हैं, अच्छा, बच्चे का, और अचानक आपका हाथ, उसमें आपके यहाँ पेन शुरू हो जाती है। पट्ठों का दर्द ही सबसे कॉमन है, और ख्वातीन में सबसे ज्यादा होता ही पट्ठों का दर्द है। ठीक है, इसी की वजह। और कभी कभी हम कहते हैं कि जी ये गैस की वजह से दर्द हो रहा है, वो किस तरह की अलामत होती है? हाँ, वो उसकी क्या अलामत होती है? जब आपके पेट में गैस पैदा होती है तो वो दर्द आपका एक जगह पे कायम नहीं रहता। अच्छा। वो आपकी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। ठीक है, जहाँ भी दर्द होगा, आपने गैस का कभी यहाँ पे आपको दर्द हो गया, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी दिल के पास होता है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमारा मैदा यहाँ पे है और उसमें एक बारीक सा पर्दा होता है और उसके ऊपर आगे दिल होता है हमारा। अगर गैस का दर्द है तो वो मूव करता रहेगा, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। ठीक है, वो गैस का दर्द होगा जहाँ पे, जिस पट्ठे में आपके दर्द होगा वो वहीं पे उसी जगह पे कायम रहेगा, और जब भी आप हरकत करेंगे, कोई काम करेंगे, तो उस वक्त वो दर्द आपको होना शुरू हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स बैठे हैं लेकिन दर्द आपको हो रहा है, क्योंकि वहां पे सोजिश पैदा हो जाती है मसल्स में, पट्ठों में। और कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा थकन, आप रात को नींद नहीं लेते पूरी तरह से, आपकी नींद नहीं आती, आपकी कंधों में दर्द, आपकी गर्दन में दर्द होता है, और वही दर्द चलता चलता नीचे तक जाता है, कमर तक आ जाता। और खासतौर पर ख्वातीन में कमर दर्द, और एक और दर्द है जिसे हम कहते हैं इरकुनिसा, शैटी का पेन, और आम जबान में इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, कि वो L4, L3 या L5 में कहीं भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड ख्वातीन में कॉमन है। क्यों होता है?
خواتین جو ہے وہ کام کر رہی ہیں کچن میں, جلدی سے بچے نے کہا مما نیچے اٹھی اوپر اٹھی تیزی کے ساتھ بھاگی اور ان کا بیلنس آؤٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے ان کے موروں کے نیچے ان کی نس دب جاتی ہے اور وہاں پین ہوتا ہے. اور اس کی علامت میں بتا دوں کہ سمپل سی ہے کہ وہ درد آپ کے یہاں سے اٹھتے ہوئے کولے میں اور پھر آپ کے گھٹنے میں اور پھر پاؤں کے انگوٹھے میں جائے گا, اس کو ہم کہتے ہیں ارکنسا. اچھا اکثر ہوتا ہے کہ آپ اس کا آپریشن کروا لیں, آپریشن انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پوری باڈی یہاں پہ اس کے اوپر ہے, یہ آپ کا ستون ہے یہ آپ کی باڈی کا, تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پہ خواتین کو کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کرنے بھی ہیں تو بہت احتیاط کرنے چاہیے نا, کام یہ بولے کہ میرے پاس میرے پاس تو آتے ہیں اگر پیشنٹ جو بھی, میں سب کو کہتا ہوں کہ میاں کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے, میرے پاس آتے ہیں آپ ضروری ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں عام درد کے, فوری طور پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو درد شروع ہو گیا, آپ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ ست پودینہ اسے کہتے ہیں, عام ہر جگہ سے مل جاتا ہے, آپ تھوڑا سا ست پودینہ لیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے ست پودینہ اس میں شامل کر دیا. جی ست پودینہ عام الفاظ عام ہر جگہ سے مل جائے گا آپ کو. پھر آپ تھوڑا سا کافور لے لیں, تھوڑا سا کافور لیا اور آپ نے اس کو بھی کافور کو اس میں شامل کر دیا, اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد, ہاں جی اس کو ہم کہتے ہیں جادو کا تیل, آپ کیسا کہہ سکتے ہیں اس کو جس طرح ہمارا صبح نے کہا, تو یہ تھوڑی دیر میں پانی بن جائے گا, بالکل لیکوڈ بن جائے گا. اچھا اس میں ایک اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں آپ, سات اجوائن, اجوائن کا ساتھ بھی, تینوں کا مکس کر لیں آپ, اس کو گھر میں رکھ لیں, یہ آپ کے گھر کا ڈاکٹر ہے, حکیم ہے, آپ کے دانت میں درد ہے آپ اس کو اپلائی کریں اسی وقت, آپ کا دانت کا درد, آپ کے سر میں درد ہے آپ اپنی پیشانی پہ لگائیں, سر کا درد ہے اگر منہ کے اندر چلا گیا تو کچھ نہیں پڑے گا, اگر اس کا یہ نہیں چلا بھی جائے تو میں بتاتا ہوں, ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ آپ کے پیٹ میں درد ہے, ہیضہ ہو گیا, شدید پیٹ میں درد ہو رہی ہے, تو آپ اس کا ایک قطرہ چینی کے اوپر رکھیں اور اس کو پی لیں, کھا لیں, یا اس کو آپ پانی میں شامل کریں اور پی لیں, تو آپ کا پیٹ کا درد چٹکیوں میں غائب, گارنٹی کے ساتھ. اور اسی طرح اگر آپ باہر کتنی چٹکیاں بجائیں گے تو غائب ہوگا, دو سے تین, اوکے ڈن. تو یہ اس کو, اس کے بعد اگر آپ کی گردن میں درد ہے آپ لگائیں, آپ کو آدھے سر کا درد ہے آپ لگائیں. اچھا اگر بہت یعنی کہ جہاں کہیں بیرونی طور پہ آپ کے کہیں بھی درد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے شو میں جانا ہے, آپ کہیں بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کام کے لیے, تو آپ کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو لیں, اس کا ایک قطرہ لیں, اس کو لگائیں, مائگرین ہو تو آپ اپنی پیشانی کے اوپر اس کو تھوڑا سا لیں, لیکن زیادہ نہیں لگانا کیونکہ یہ بہت تیز ہوتا ہے. اچھا مائگرین کے لیے دیکھیں, وجہ دیکھنی چاہیے کہ مائگرین کیوں ہو رہا ہے. ہاں آپ کوشش کریں, میں ایک چھوٹا سا ٹپس دوں گا مائگرین کے لیے, بہت سمپل سی چار چیزیں ہیں, سر کا درد, آدھے سر کا درد, اور بہت شدید ہوتا ہے یہاں تک کہ وومٹ بھی شروع ہو جاتی ہے جب وہ اتنا شدید ہوتا ہے, اور اس کا دورہ جو ہوتا ہے ایک گھنٹے سے دس منٹ سے بلکہ دو دو تین تین دن تک بھی مسلسل رہتا ہے اور وومٹ ہوتی رہتی ہے آپ کو. اس کے لیے استو خدوس ایک جڑی بوٹی بہت عام مل جاتی ہے, اس کے ساتھ بادرنج بویا ہے, اور آپ کے گھر میں کچن میں خشک دھنیا موجود ہوتا ہے وہ لے لیجئے آپ, اور دو کا پسا ہوا پیسنے سب کو, اگر آپ کے پاس استو خدوس 50 گرام ہے, بادرنج بویا 50 گرام, دھنیا 25 گرام لے لیں, اور کالی مرچی آپ 5 گرام لے کے مکس کر کے رکھ لیں, سر کا درد, آدھے سر کا درد, زبردست نسخہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی چٹکیاں بتائیں, اس کے لیے کتنی چٹکیاں, اس کے لیے تھوڑی زیادہ چٹکیاں بجانا پڑے گی, 10 سے 20 بھی ہو سکتی ہے, 10 سے 20, 1 2 3 4, اچھا 20 چٹکیاں, اوکے ڈن. نہیں ہے لیکن یہ اس تو خودوس کیا چیز ہوتا ہے, جڑی بوٹی ہے, جڑی بوٹی کا نام ہے. اگر یہ سارے دردوں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں گلے کے درد کا ضرور ذکر کروں گی, کہ گلے میں بھی اکثر درد ہوتا ہے, تو ہم دبانے سے تو رہے, ہم اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ میں نے بھی پکانے کے لیے چل رہے ہیں, تو اجوائن کا استعمال میں بتا رہی ہوں ہم لوگ اپنے کھانوں میں کریں. ایک سیکنڈ, ایک تو آپ نے وہ ہر طرح کے درد کا ڈاکٹر بنا دیا, بلکہ ایک ڈاکٹر آپ کے گھر میں موجود رہے ہر وقت, آپ نے مائگرین کا بتا دیا, ٹھیک ہے دو چیزیں, تیسری آپ کون سی بتا رہے ہیں, آپ بتا رہے تھے نا کہ مسل پین, اس کے لیے انہوں نے وہی بتایا پٹھوں کا درد, اس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پٹھوں کی وجہ کیا ہے, کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہوگی کسی چیز کی, ابھی بات ہو رہی تھی بادام کے تیل کی, بہت سی آپ میں پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے, کہ آپ اگر پروٹین ہی صحیح لے گا, پروٹین جو ہمارے مسلس کو ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے, موٹا کرتی ہے اور طاقتور کرتی ہے,
اچھا کئی خواتین ہوتی ہیں ان کو سمیل آتی ہے، کہتے فش نہیں ہم کھا سکتی، تو اس کے لیے آپ بادام کا استعمال کریں، بادام میں گوشت اور فش سے زیادہ پروٹین ہوتی ہے اور دودھ سے ڈبل اس میں کیلشیم ہوتا ہے، تو ایسی خواتین ایسی بچیاں میں کہوں گا کہ جو نہیں استعمال کر سکتی تو بادام، جن کو پٹھوں کا درد ہوتا ہو وہ بادام زیادہ کھائے، زیادہ کھانے چاہیے اس کو، اور اخروٹ کھانے چاہیے کیونکہ اخروٹ کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ اگر یہ جو چھوٹا سا ہم نے ڈاکٹر بنایا کافور والا، جس میں پانی ڈالنا ہے، پانی نہیں ڈالنا، یہ خود بخود پانی بن جائے گا، پانی بن جائے گا۔ آپ نے کافور ڈالا اور سات پودینہ، اور اس میں ایک تھوڑا سا شامل کر لیجیے گا سات اجوائن بھی، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے بعد پانی بن جائے گا، لیکن یہ آپ نے ایسا نہیں کہ لٹرلی کھانا ہے یا پینا ہے، یہ آپ کے اندر کے درد جو ہے اس کو نہیں، جو باہر کے درد ہے آپ کے پیٹ میں، اگر درد ہو رہا ہے فوری طور کے اوپر آپ کو ہیضہ ہو گیا، آپ نے کہا تھا لیکن ایک ڈراپ، ایک ڈراپ آپ ایک چمچ پانی میں آپ ایک ٹیبل سپون لیں، اس میں آپ ایک ڈراپ ڈالیں اور اس کو پی لیں۔ اچھا بچہ اگر نہیں کھاتا، آپ اس کو بچے کو آپ چینی میں ڈال کے تو بچے کو کھلا دیں، بچہ بھی کھا لے گا، پیٹ کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اچھا چلیں جی، یہ مجھے چھوٹا سا ڈاکٹر دے دیں، یہ میں گھر لے کے جاؤں گی۔ اچھا آپ لے کے جائیں گی، چیلنج ڈن۔ نہیں نہیں، میں آپ کے بہاف پہ کہہ رہی تھی، نہیں نہیں نہیں، کیونکہ انہوں نے دال کا درد کہا تھا تو میں نے کہا میں ان کو دے دوں، یہ چھوٹا سا ڈاکٹر آپ کا ہوا، آپ کیا بتا رہی ہیں؟ فی الحال تو میں نے ابھی پانی پکنے رکھے گلے کے درد کے لیے، کہ گلے کے درد کے لیے ایک کپ پانی لے لیں، گلا بند ہو جاتا ہے، درد رہتا ہے، اور آج کل جو موسم ہے اس میں گلا بند، کھانسی، یہ جو اجوائن ہے آپ کو ملنا چاہیے، ہاں یہ سنگر ہے نا، اس کو ملنا چاہیے، ڈن ہے، بس میں وہ پانی پکا رہی ہوں، پانی میں ہم اجوائن ڈالیں گے، تقریباً میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے اور اس کے اندر میں تقریباً یہ دیکھیے تقریباً کوارٹر ٹی اسپون ہوگی یہ اجوائن، یہ میں ڈال کے اس کو پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں، یہ جب تک اس کا عرق نکلے گا، کیونکہ یہ ابھی ریڈی نہیں ہوگا، اس کو پکنے کے لیے تھوڑا چھوڑنا پڑے گا ہمیں، یہ گلے کے لیے ریڈی ہو رہا ہے، یہ آپ کا عرق ہے۔ اجوائن ایسی چیز ہے، اگر یہ اجوائن ہم کھانے میں مستقل استعمال کرنا چاہیں، ہم گھر میں سونف، دھنیا گری اور اجوائن تھوڑی سی ڈال کے، یا روٹین بنا لیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے کھانا ہے، یہ جو آپ گیسٹرک کا ذکر کر رہے ہیں، پسی بھی اجوائن نہیں، یہ اجوائن ثابت ہے، پسی ہوئی یہ ہے، پسی ہوئی آپ نہیں کھا سکتی، آپ یہ اگر منہ میں بھی آپ کے آئے گی، یہ بھون لیں، اس کو توے پہ ہلکا سا بھون لیں، سونف اور دھنیا گری جو ہم کھاتے ہیں اس میں تھوڑی سی اجوائن ڈال کے آپ ایک بوٹل میں بھر کے رکھ لیں، یہ آپ ہر کھانے کے بعد کھائیں، آپ کو گیسٹرک نہیں ہوگی، اجوائن میں یہ خصوصیات ہے آپ کو بادی پن نہیں آنے دیتا، یعنی گیسٹرک آپ کی نہیں آنے دیتا باڈی کے اندر، تو یہ ہر کھانے کے بعد کھائیں اس کو اجوائن کا استعمال۔ اچھا ہم یہاں اور چیزوں کو بنا بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں کی ہڈیاں بریک ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے بعد انہیں ہر سیزن میں پین ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہڈیوں کا تو آج کل بہت کامن ہے، بالکل بہت زیادہ۔ یہ ہم ایک لیپ بنا رہے ہیں جس میں آپ کھجور کا استعمال کریں گے، یہ کھجور ہے، لیکن اگر آپ کو جتنی پرانی کھجور ملے، جتنی پرانی سے پرانی، وہ بالکل جڑ جاتی ہیں، ایک ہو جاتی ہیں، وہ بہت فائدہ مند ہے، آپ نے اس کو جو بھی خاص کھجور کا نام، کوئی بھی کھجور ہو لیکن جتنی پرانی ہو وہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ کرے گی۔ یہ میں اس کی گٹھلیاں نکالی، ہم اس کا بھی لیپ بناتے ہیں، ہڈیوں کے درد کے لیے ہم لیپ بنا رہے ہیں کھجور سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہے گا دی مارننگ شو، گڈ مارننگ پاکستان، زندہ باد۔ علیکم اور ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو لوگ ابھی ٹیونڈ ان ہوئے ہیں تو ان کو سوئچڈ ان ہوئے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ سنم بلوچ کا ہی شو ہے، لیکن وہ فار اے وائل اپنا مساج کرا رہی ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے پلیز دوست ہونے کی حیثیت سے میری مدد کر دو، تو ہم ان کی مدد کریں، تو شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم کچھ بنا رہے ہیں، جی ہم ایک لیپ بنا رہے ہیں، آپ ریلیکس کریں، آپ کے بغیر یہ شو جو ہے مزے کا ہو رہا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا میرا بھی کر دے، اور انہوں نے مجھے کوئی سر پہ ایسے یہاں پہ کچھ لگایا، اب تم لیپ بنواؤ، تم ٹھیک ہے، میں مجھے ریلیکس ہونے دو، ٹھیک ہے، تھینک یو زیبا، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو، چلے میں غائب۔ اچھا میں نے یہاں سرسوں کا تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اب اس میں میں کچی ہلدی، یہ آمبا ہلدی کہلاتی ہے، کچی نہیں ہے، ہے تو پکی ہوئی، لیکن یہ آمبا ہلدی ہے، عام ہلدی سے ہٹ کے ہے، جو ہم گھروں میں کھانے بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہلدی الگ ہوتی ہے، یہ آپ کی کچی ہلدی سے آمبا ہلدی بنتی ہے، یہ میں نے اس میں ڈال دیا، یہ ڈیزالو ہو جائے گی،
और अब मैं इसमें ये खजूर डाल रही हूँ, ये आप देखिए, ये पूरा पक के आपका लेप बन जाएगा, बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट एंड स्मूथ सा करना है। ये आप लेप, आपने जो जब लेप रेडी हो जाएगा ये, तो इसको आपने किसी कपड़े में या किसी कागज़ में लपेट के इसका जो जो भी आमेजा बनेगा वो आपने कपड़े पे रख के थोड़ा सा ठंडा करके आपने जहाँ आपका दर्द हो रहा है उधर लपेट के सारी रात सो जाना है, सारी रात मतलब रात के टाइम पर ही आपको पकाना है बिल्कुल, और अप्लाई करके और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इसकी खजूरें हैं, ये हल्दी है, ये सब दर्द खींच लेंगी, जो हड्डी का दर्द होता है। इवन मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी खाला हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था दुबई में, और उनकी ये जो रिब्स होती हैं ये ब्रेक हो गई थी, तो जो रिब्स ब्रेक हो गई थी उस पर ये लगाने से उनकी रिब्स वापस जो है वो ज्वाइंट हो गई थी, क्योंकि उधर प्लास्टर ये इतना इफेक्टिव है, क्योंकि प्लास्टर करना यहाँ बड़ा मुश्किल होता है, तो वो रिब्स पे ये हमने यूज़ किया था, और अल्लाह का शुक्र है आज माशाल्लाह उस एक्सीडेंट को भी 10 साल हो चुके हैं। और इससे बेसिकली क्या थोड़ा प्रेशर के साथ मसाज करना चाहिए, सिर्फ अप्लाई करना है। ये हमने अप्लाई करने वाला बताया, हम थोड़ी देर के बाद एक क्रीम बनाएंगे जो अप्लाई करने के लिए होगी, जो जिससे आपका बैक पेन, हम जिस बैक पेन का जिक्र कर अभी रहे हैं हम बात कर वो रहे हैं। उसकी एप्लीकेशन के लिए वो क्रीम अभी हम बनाएंगे, अभी ये पेस्ट बन जाए उसके बाद वो क्रीम हम बनाएंगे। जब और आपको खुद घर में पकाते हुए क्या अंदाजा करना है कि कितनी देर इसको पकाने ये के लिए? पक्के ये अपना देखें येलो येलोइश प्यार, आपने खजूरें देखी हैं, ये येलो हो रही हैं, हल्दी जो है वो इसमें डिजोल्व हो जाएगी पूरी जो मैंने डाली है, जब ये येलो हो जाएगी तो जैसे सालन पकता है जो आपने देखा होगा जब भुनाई पर आता है तो एक तरी सी आ जाती है जी, ये वो कंडीशन हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ दो तीन नान मंगवा के इधर ही खाते वैसे खजूर बजाते खुद एक डाइट है, अगर हम सुबह उठ के खजूर का इस्तेमाल करें तो जो लोग ब्लड डेफिशिएंसी की तरफ आते हैं उनकी डेफिशिएंसी खत्म होती है, आपको ये सारा दिन एनर्जी रखती है। दो खजूरें अगर आपने सुबह खा ली तो आप ये देखिए कि आप एनर्जेटिक रहेंगे, अगर आप दोपहर में खाना नहीं खा रहे हैं या आप कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सुबह दो खजूर जरूर खाएं। उसके बाद नाश्ता करें या सिर्फ दो खजूरों? नहीं नाश्ता, मैं देखें नाश्ता तो मैं हमेशा से कहती हूँ नाश्ता करें आप बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वजीरों की तरह, और रात का जो खाना है वो फकीरों की तरह, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम रात का खाना नहीं हम लोग उल्टा करते हैं ना, हम रात को जो है बादशाहों वाला खाना खा रहे होते हैं, बिरयानी कोरमे सारी चीजें रात को चल रही होती हैं। बिल्कुल अच्छा, तो ये इसका जरा आप वैसे क्लोज भी दिखा दें कि जल्दी खाने से रहे सुबह सुबह। नहीं तो आप खाएं, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन लिमिटेशंस में खाएं आप, तो रात को हम लोग सारा दिन भूखे रहते हैं। आप ऐसा करो नली वाली नियारी का, बिरयानी का, सब करो, उसके बाद डाइट बोतल पियो सब सही हो या फिर वो कहते हैं ना कि हमने रच के खाना खाया उसके बाद हमने ग्रीन टी पी लिया ना हजम हो जाएगा, तो भाई ग्रीन टी क्या तोड़ने गए थे क्या बाहों से जो तुम पतले हो जाओगे? बिल्कुल, ये देखें ये जल गया है, ये हाँ ये सारी चीजें इसमें जल चुकी हैं, सही से आपने पकाना है इसका, बिल्कुल बिल्कुल जलाना है, और इसका तेल भी काम आएगा, ये आप तेल भी मसाज कर सकते हैं, ये आपने रखना है तेल किसी भी उसमें, ये मैं आप ड्रिप हो रहा है, कोई नहीं गर्म होगा इसलिए मैं साइड पर रख देती हूँ, आप इसके इसमें गिर ना जाए, ठीक है ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। अच्छा अब पहले ठंडा होने दें, बिल्कुल इसको ठंडा होने दें इतना कि गरम आपको फायदा दे गरमाई में लगाने के लिए। मैं कुछ चीजें वहां से अपनी और ले लूं जो मैं अभी आपको कह रही थी कि मैं क्रीम बना के दिखाऊंगी, ये क्रीम में हम ले रहे हैं नारियल का तेल, ये हम पट्ठों के दर्द के लिए, ये जी पट्ठों का और बैक पेन, और ये ले रहे हैं बीज वैक्स, ये आपको छत्ते का वैक्स कहीं से भी मिल जाएगा, आप कह के ले सकते हैं किसी भी पंसार स्टोर से ये ले सकते हैं। तो पहले हम इसको मेल्ट करते हैं, बीज वैक्स को हमें मेल्ट करना होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और उसके साथ ही हमने इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करना है, ये देखिए ये गर्माई में ये खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है देखें इसका भी ऑयल आपको लग रहा है कि ये जमा हो रहा है, बनना शुरू हो गया है, हाँ ठीक है, साथ ही ये कोकोनट ऑयल ये भी हमने इसमें डाल लिया है। अच्छा ये आप पका रही हैं साथ साथ मेरा एक सवाल भी था वैसे आपसे, आप क्योंकि वो उस टाइम मैं बीच में जगह नहीं बना पाई पूछने के लिए, ये जो मसल्स का पेन होता है बेसिकली इसकी वजह क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब बॉडी में कौन सा पहला स्टेप होता है जो कि बाद में लीड करता है
पट्टों के दर्द को या खिंचाव को? पहले तो आपके जब यहाँ बाजू से काम कर रहे होते हैं आप ये देखेंगे कि अगर आपने काम ज्यादा किया है या आपने, अक्सर खवातीन की बात बता रही हूँ, हम खाने बना रहे होते हैं चम्मच बहुत चला रहे होते हैं, हड्डिया में कभी चला दिया, देग बना रहे होते हैं तो आपके यहाँ पेन शुरू हो जाता है। यानी अगर आपने यहाँ से काम किया है तो आपके मसल्स वीक है, आपके ये चीज पेन करना चाहिए, हार्ड हो जाती है। तो ये हार्डनेस हम जब ज़्यादा काम करते हैं और पोस्चर हम जब चेंज कर लेते हैं ये उसकी वजह से होता है। और ख़ास तौर पे जब हम स्ट्रेस वाला काम करते हैं, एक मस्कुलर पेन हमारा यहाँ से शुरू होता है, जो आप कभी आप रिलैक्स फील करने के लिए ये शोल्डर दबाएंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है, आपका मसल्स का ये पेन खत्म होता है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो हमवार होती है। जब तक देखें, जब तक ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं होगी आपको मसल्स का पेन रहेगा, क्योंकि ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन होती है, ब्लड के अंदर सारे हमारे टिश्यू जो होते हैं उनकी गिज़ा मौजूद होती है। जब आपका ब्लड यहाँ पे नहीं पहुँचता, मसल्स के टिश्यू तक नहीं पहुँचता ब्लड सही तरह से, वहाँ ऑक्सीजन कम जाती है, वहाँ पे गिज़ा कम होती है, तो वो टिश्यू वीक होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से वीकनेस बढ़ते बढ़ते आहिस्ता 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 आपके आसाब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आप अगर थोड़ा सा ऐसे भी चम्मच जिस तरह भी हमारा साहब ने बताया हिलाते हैं तो आपको यहाँ पर दर्द शुरू। और इसके सबसे बड़ी निशानी सबसे पहले आपकी यहाँ से गर्दन से शुरू होगा आपको। बिल्कुल। अच्छा एक बात और, जब आपका दर्द यहाँ शुरू है तो आप ये समझें कि अब आपकी शॉर्ट मेमोरी भी डैमेज होना शुरू हो गया। उसके लिए फिर आप डाइट ज़रूर लें, अच्छी डाइट, इस तरह मैंने अभी फ़िश की बात की और अखरोट अभी मैंने खाया, मगज़ अखरोट जो इनको बिल्कुल नहीं पसंद, कह रही है मुझे बू आती है। अच्छा, मगज़ अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर करता है। सनम सुनो गौर से। और हमारे पट्टों को ठीक करता है, उसके साथ साथ हमारे दिल के फेल को सही करता है और हमारे लीवर फंक्शन को ठीक करता है। और दूसरी बात ये कि ये मोटा भी नहीं करता, वजन नहीं बढ़ता इसके साथ। अच्छा, इसी तरह ऑलिव ऑयल का मैं बताना चाहूँगा कि ऑलिव ऑयल ये जैतून का तेल के, हमारी रिसर्च गलत हो सकती है, हम इंसानों की सबकी, लेकिन अल्लाह की रिसर्च जो है वो तो नहीं, अल्लाह ने सब पहले किया। तो कुरान करीम में जैतून के तेल को कहा गया है कि आप इस्तेमाल करें, बल्कि इसकी कसम खाई अल्लाह ने, कसम है उसकी इंजीर की। तो इसलिए जैतून के तेल को आप शामिल करें हर दर्द के लिए। अच्छा, फिर आजकल अक्सर होती है कि उनकी स्किन खराब हो जाती है, निकल आते हैं, तो वो तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, उनमें केमिकल होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप जैतून का ऑयल इस्तेमाल करें सिर्फ, आपकी स्किन नरम रहेगी, उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल शामिल कर लें, नरम रहेगी स्किन, दाने ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद नींद भी आएगी आपको अगर आप बादाम का तेल और जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे। तो जबरदस्त, आपने बड़ा देख के बोला, इनको लगता है नींद का प्रॉब्लम है। मेरा जल्दी से ले बता दे, क्योंकि अब मेरा दिल चाह रहा है, कर्नल साहब बहुत देर से खामोश है, मुझसे उनकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये जो दो चीजों का मिक्सचर था वो मैं यहाँ बना के ले आई हूँ, कोकोनट और बीज वैक्स का। अब उसके अंदर हम पेपरमिंट ऑयल डाल रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, पेपरमिंट ऑयल डाला है हमने इसमें। और हम इसके अंदर जो डालेंगे क्लोव ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ये क्लोव ऑयल लौंग का तेल, लौंग का तेल है ये, हम डालेंगे थोड़ा ये सा। सारे ये भी तेल कहाँ से मिलते हैं और इसका एड्रेस भी दे दिया करो अपने शो के एंड में भाई। अभी तो तुम होस्ट हो, तुम दो। ये आराम से मिल जाते हैं, किसी भी आप मार्केट में जाएं कोलू के पास से मिलेगा, नहीं तो कोई भी आराम से आपके पास जो हिकमत का सामान जहाँ मिलता है ये आराम से मिल जाता है। कहते हैं कि वो सदर में कौन सी जगह, तो वहाँ से ये सब मिल जाते, बिल्कुल। और नहीं है तो आप लौंग का जो ये फूल होता है ये आप तोड़ के, ये भी आप देखें ये कैसे पाउडर बन गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये आप ये भी मिक्स कर सकते हैं अगर ये नहीं है, ठीक है। अगर तेल नहीं है तो इसका जो मुंह है उसको भी पीस कर आप इसमें ऐड, और ये पीसने की जरूरत ही नहीं है, आप देखिए इसी तरह बिल्कुल भुरभुरा सा हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी बतानी चाहूंगा कि लौंग का तेल और दालचीनी का तेल बहुत तेज होते हैं, इनको इस्तेमाल इनको बूंद की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जैसे आपने जैतून का तेल शामिल कर लिया, अगर आप इसको लगाते हैं अपने चेहरे पे फौरन जलन शुरू हो जाएगी। तो इसका भी वही मतलब वो जो आप कह रहे थे एसेंशियल ऑयल जो है वो आप नहीं लगा। अच्छा, इसका ये होता है कि ये आप जरूर डालें दर्द के तेल में या किसी भी आप पेस्ट बना रहे उसमें डालें, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है वहाँ पे, जब जहाँ पे इचिंग होती है दालचीनी का और लौंग का, क्योंकि जहाँ आपके जिस्म में बॉडी में
जलन होगी वहाँ पे रश करके ब्लड आएगा वहाँ पे, जब वहाँ पे खून आएगा तो वहाँ के जो बॉडी में आपके हड्डियों में आपके मसल में डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी। तो इसका मतलब अगर प्रेशर पॉइंट्स पर ये लगाया जाए तो आपकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा है। इसमें मैं थोड़ा सा कैम्फर मिलाया, काफूर, ये मिला के अभी थोड़ी देर के बाद ये हार्ड हो जाएगा, ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। जब काफूर का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, डर लग रहा है। अच्छा, शुरू से हम जिक्र कर रहे हैं खवातीन तीन में ऑस्टियोपोरोसिस का हम लोगों ने जिक्र किया, आपको भी लग रहा है ना, काफूर हड्डियों का जिक्र किया, हड्डियां कोलाज वगैरह को पीने के बजाय अगर हम ये हफ्ते में दो दफा पी लिया करें तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, इवन आपकी हड्डियों में दर्द खत्म हो जाएगा। कोलाज को प्लीज थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए, मैं तो कहूंगी खत्म कर दीजिए, लेकिन मिनिमाइज इसलिए कहूंगी कि लोगों की नीड अब बन चुकी है। कोल्ड ड्रिंक हो गए या मार्गरेटा हो गए, कम नारियल का पानी पीजिए, नारियल का पानी और ग्रीन नारियल, क्योंकि आपने देखा होगा धूप इस पे डायरेक्ट आती है और ये एब्जॉर्ब करता है। अब हम ये कहेंगे विटामिन डी हमें किसी चीज से मिल रही है, ऐसा नहीं है कि किसी कोई चीज हमें प्रोवाइड कर रही है, विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, जो हमें दोबारा उसको डेवलप करना होता है वो अंदर ही बॉडी के अंदर डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप कुछ चीज़ें लेंगे, आपने इंटरनल इस्तेमाल करना इन चीज़ों का, धूप लें सुबह 11 बजे तक की, 11 बजे से पहले तक की, आप धूप में अगर थोड़ा सा बैठे, अगर कोई मॉर्निंग शो कर रहा हो तो 11 बजे तो उसका शो खत्म होता है, तो वो धूप का आप सुबह लेते हैं, खत्म करते हैं। हम लोग धूप से बच रहे होते हैं, गाड़ी के शीशे नीचे कर देते हैं, आप गाड़ी के शीशे नीचे कर देते हैं, धूप है 6 बजे वाली बिल्कुल सुबह वाली, शाम में भी जब सूर्य غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سورج پہ بھی دیکھیں نا تو ضرور دیکھیں ہاں ضرور اچھا انہوں نے آپ نے مجھے یہاں پہ کچھ لگایا تھا بڑا ریلیکسنگ ہے میرا شو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا میں دن چار میں سو جاؤں وہ جس طرح تم نے مجھے کہہ دیا نا تو میرے دوست تو مجھے سمجھ آ گئی ہے अच्छा ठीक है लेट बन गया मुझे कर्नल साहब की तरफ जाना है इससे पहले कि कर्नल साहब आके मुझे मारे यहाँ नहीं 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 पहले सर बताइए हो गया लेट और जल्दी से सर मेरा लेप बन गया जी बिल्कुल बन गया है लेप आपका आपका लेप में जो है मैंने 20 वैक्स लिया है उसके अलावा कोकोनट ऑयल लिया है उसके अलावा मैंने इसमें जो ऑयल और शामिल किया पेपरमिंट ऑयल थोड़ा सा शामिल किया है और लौंग अगर ऑयल है तो ठीक है नहीं तो फिर आप लौंग का पाउडर बना के डाल लें थोड़ा सा कैंपर अब हम अपने शो को लेके जाएंगे इस तरफ एक्वापंक्चर जी मैं इसके बारे में वैसे कुछ नहीं जानती हूँ तो आज मैं भी काफी कुछ सीख लूं। डन है, डन है। सबसे पहले तो मैं मायूसी का शिकार था कि शायद आई ना आए लेकिन नहीं, बहुत शुक्रिया स्पेशली टू यू कि आपने मुझे याद रखा और मैं खड़ा हूँ। नहीं वैसे आपके लिए हमने आखिरी पूरा सेगमेंट रखा हुआ था वैसे आपको एक्यूपंक्चर एक ऐसा तरीका इलाज है एक कुदरती तरीका इलाज है जो चाइनीज तरीका इलाज कहलाता है और ये 4000 साल से चाइना में इलाज हो रहा है ये वो एक तरीका इलाज है जिसमें गिनी पिग्स या जानवरों पर तजुर्बा नहीं किया गया बल्कि इंसानों पर ही तजुर्बा करके और इसका एक मुफस्सल और मुस्तनद किताब की सूरत बनाई गई आज ये इलाज जब यूरोप में पहुंचा तो यूरोप वाले चूंकि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा रिसर्च करने वाले लोग हैं तो वेस्ट वालों ने जब भी किसी डॉक्टर के पास गए और दवा को देखा तो सबसे पहले इंटरनेट पर जाके देखा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं बिल्कुल सही और उन्होंने कहा अरे इतने सारे साइड इफेक्ट हैं नहीं भैया नहीं हम नहीं खाएंगे गुर्दा खराब हो जाएगा जिगर खराब हो जाएगा देन दे वेंट टू अल्टरनेटिव मेडिसिन कि ऐसा कोई तरीका इलाज है जहां पर हमें दवाई ना खाने पड़े और हमें इलाज मिल जाए एंड देन दे ऑप्टेड एक्यूपंक्चर टुडे एक्यूपंक्चर इन वेस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ए डॉक्टर एंड ऑफ द पेशेंट वो हर मरीज और हर डॉक्टर स्पेशली चाइना ऑस्ट्रिया वियना ये वो मुल्क हैं जहाँ पर मैं कहूँगा एक्यूपंक्चर का क्रेज़ है छोटी सी बात मैं बता दूँ मेरी बेटी वियना में है डेंटल सर्जन है वो झुके रहते हैं उसी गर्दन में दर्द हुआ कह नहीं पापा मैं गई अपने मेडिकल डॉक्टर के पास उसने कहा एक्सरे करा लो देखा MRI किया सर्वाइकल 1, 2, 3 और डॉक्टर ने कहा कि यू गो टू द एक्यूपंक्चरिस्ट ही नेवर एडवाइज ए मेडिसिन उसने कहा जी आप एक्यूपंक्चर में चली जाएँ 5-6-7 सिटिंग करा लीजिए आपका दर्द ठीक हो जाएगा And she was happy and very healthy after 6-7 sittings. Wow. मैं खास तौर पर ARY का मशकूर हूँ कि ARY की तुफैल से मैं अपने पाकिस्तान के सामईन को नाजरीन को ऐसे खूबसूरत इलाज के मुतालिक बता रहा हूँ जिसका शायद कम इल्मी की वजह से हम उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे बिल्कुल
अभी ये जो मेरी बहन बैठी है इनका आप कौन सा किस चीज का इलाज? मैं थोड़ी सी तफसील पहले बोल दूं फिर मैं इनका इलाज कर लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, छोटा सा उसके ब्रेक बाद उसके बाद आप ही आप है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। आप लोग कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल। हम आ गए कर्नल साहब, वेलकम बैक। और ज़ेबा तो पागल हो गई ये सब, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वो एरिया है जो मैं जानती नहीं हूँ। तो जी, मैं अर्ज करना था कि एक्यूपंक्चर एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, और ये उन तमाम चीज़ों के लिए खास तौर पर मैं बताऊँगा इफेक्टिव है जहाँ एज ए डॉक्टर हम फेलियर हो जाते हैं। मसलन बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, एस्थमा, एलर्जी, रूमेटाइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल पेन्स, कमर का दर्द, शेटी का भी बात हो रही थी, शेटी का, सोरेसिस, जिल्द का दर्द, ऐसी और बहुत सी बीमारियां हैं जहां पर डॉक्टर की हैसियत से हम सिवाय कार्डिसोन स्टेरॉइड्स के कुछ नहीं दे सकते। वहां पर भी ये एक्यूपंक्चर काम करता है क्योंकि ये आपका एनर्जी के सिस्टम को तेज़ करता है। अभी बात हो रही थी, रेगुलेट करता है, तेज़ करता है, और आपकी ऑटो इम्यून जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि आप अपने मर से खुद लड़ें। कोई बाहर से आपको हेल्प नहीं मिल रही, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हम, लेकिन आपके अपने अंदर की एनर्जीज़ को, एक्चुअली बीमारी चाइनीज़ कहते हैं कि होती इसलिए है कि आपका एनर्जी का बैलेंस ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अगर 12 चैनल हैं जो जिस्म में एनर्जी लेकर चलते हैं, हर एक ऑर्गन से वो एनर्जी रिलेटेड है। कार्डियक चैनल अलग है, लंग का चैनल अलग है, स्प्लीन अलग है, किडनी अलग है। जहाँ पर भी कहीं मसलन एक दमे का मरीज़ है, उसका वो कहते हैं कि इसके लंग्स की एनर्जी कमज़ोर पड़ गई है, अब इसके लंग्स की एनर्जी को आप दोबारा चार्ज कर दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। चार्ज कैसे कर दीजिए? मुख्तलिफ नुक्तों पर ये बारीक सी सुई लगाकर उन चैनल्स को एक्टिवेट किया जाता है। इनका हम क्या करेंगे? इनके घुटनों में दर्द है, मैं घुटनों को दर्द का इलाज तो यहाँ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ नमूने के तौर पर उनको 2-3 सुइयाँ लगाऊंगा ताकि ये सब ये एहसास हो जाए। अभी घुटनों का पंचर लगेगा, एक्यूपंक्चर लगेगा, तो वो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। खास तौर पर जिनका मैंने नाम लिया, यहाँ पे बिठाऊंगी, यहीं पे बैठी रहे, यहीं बैठी रहे, फोटो कैमरा नजर आ जाएगा, नजर आ जाएगा। मैं उस कुछ थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि प्लीज, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ आप मायूस हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है सिर्फ इसका इलाज ऑपरेशन है। मसलन घुटने खराब हो गए, रिप्लेसमेंट करा दीजिए, बड़ा आसान फिक्रा है, लेकिन किस तरह करा दीजिए? 1.5-3 लाख रुपए पहले तो ढूंढिए, इसके बाद 100% श्योरिटी नहीं है कि आपके घुटने सही काम करेंगे, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं यार गारंटी दूंगा इंशाल्लाह कि एक्यूपंक्चर से आपका वही खराब घुटना फिर ठीक हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। इसी तरह से कमर के दर्द के मोहरे हट गए, डिस्क प्रोड्यूस हो गई, उसने नर्व को दबा दिया, फिर ऑपरेशन इलाज है, ऑपरेशन करा लीजिए, फिर वही बात आई, 2.5-3 लाख रुपया। एंड इवन आफ्टर दी ऑपरेशन 1 साल बाद 2 साल बाद वो कहीं दूसरे मोहरों में आ जाएगा, क्योंकि असल काज तो आपने रिमूव नहीं किया, आपने सिर्फ उसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाला है मसले को, बीमारी तो नहीं गई, सिर्फ वो तो वही आपने जो ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो बीमारी है, ये डिस्प्लेसमेंट था, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही। उसका इलाज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक दफा एक्यूपंक्चर को जरूर ट्राई कीजिए, डोंट गो फॉर द ऑपरेशन। मैं उसके लिए बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने, बे औलादी में एक ऐसी तकलीफ है, औरतों का तो ट्रीटमेंट हो रहा ही है, आज इंटरनेट पर उन्होंने कहा कि आप जब आर्टिफिशियल बेबी के लिए जाते हैं जिसको IUF कहते हैं, तो इंटरनेट पर लिखा है कि उस पर जाने से पहले कम से कम 3 कोर्सेज लेडीज़ को एक्यूपंक्चर के करवाने चाहिए, उससे कंसेप्शन की ताकत यूट्रस की बढ़ जाती है। जबरदस्त, ये इंटरनेट में मौजूद है, देख लीजिए। इसी तरह से स्पर्म्स, मेल के स्पर्म्स कम हैं, टेढ़े हैं, जल्दी मर जाते हैं, साख्त उनकी सही नहीं है, उसका मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं TV पर खड़े होकर इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, उसका इलाज एक्यूपंक्चर में मौजूद है। स्पर्म्स की न सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, उनका क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, एंड देन द मेल एंड फीमेल विल बी एबल टू
कंसीव, इसलिए चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मैं फिर वही कहूँगा, अस्थमा के लिए कोई दुनिया में इलाज नहीं है। हकीम साहब भी खड़े हैं, डॉक्टर भी हैं, हकीम साहब मरीज आपके पास खड़ा है ना, मरीज आपके पास है, ये मेरा वो मरीज है जो हर वक्त मुझे मिले कहता है मरीज और इलाज के लिए आज तक नहीं आया। पसंद है कि मैं इनकी मरीज बनने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और अभी बाय द वे आप मेरा वेट के लिए वो लगाएंगे मेरे कान में, मैं अपनी बहुत कम है। ये कौन सी सुई है, ये बेस वाली है, मुझे भी बता दे। बहुत ही एक प्यारा इलाज है जो कि फ्रेंच रिसर्च है। जब ये वेस्ट में आया तो उन्होंने रिसर्च की, कान में एक पॉइंट है उस पर हम छोटा सा, ये एक स्टड है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा एक टिप पर काला से एक छोटा सा स्टड है, प्लैटिनम का लगेगा, मैंने लगवाया ये प्लैटिनम का, प्लैटिनम का स्टड है छोटा सा, इसको हम कान पर लगा देते हैं और कहते हैं 20 मिनट पहले खाने से इसको एक्टिवेट कीजिए, आपका मैदा लिटरली सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्सोलॉजी पर भी बात हो रही थी, प्रोबेबली वो जो मसाज कर रही थी, दिस इज ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी। कान में भी जिस तरह बताया, हाथ में, पैर में, इसी तरह कान में भी पूरी बॉडी कंट्रोल्ड है। मैं ऐसा करती हूं, उससे जो आपका मैदा सिकुड़ेगा आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड कम हो जाएगी। अब उनको टेंशन ही हो रही है कि शो खत्म होने वाला है, 10 सेकंड्स रह गए। मैं आपसे खुदाफिज करती हूँ, लेकिन ये वाला पोर्शन हम अभी रिकॉर्ड करें और मैं कल आपको शो में दिखाऊंगी कि घुटनों के दर्द के लिए पिंस कहाँ पे लगेंगी, क्या होगा, वजन कम करने के लिए हम दोनों अभी लगवाएंगे, ठीक है? ओके, अगर एक मिनट में अगर हम कर सकते हैं सब सब कुछ कर सकते, बस एक मिनट आपका। ओके, थैंक यू, लव यू। ये मैं एहतियातन सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि पॉइंट यहाँ घुटनों के ये नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ना कोई दर्द होगा ना खून निकलेगा। घुटनों के पॉइंट्स क्या हैं? घुटनों के पॉइंट इनके घुटने पर ही सुइयाँ लगेंगी, हाँ। ये इनके घुटने में दर्द है और ये घुटने के पॉइंट हैं, ये एक घुटने के ऊपर सुई, एक नीचे सुई और दो साइड में सुई, ये इसको लगा कर 20 मिनट तक बिठा दीजिए, 12 दिन तक रोज़ लगा लीजिए, इंशाल्लाह आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि वक्त कमी है, आपने बताया कान में लगवाने के लिए मरीज बहुत हैं, कान में इनका लगाते हैं, नहीं मैं तो लगवा, ये मेरा पॉइंट डिटेक्टर है जिससे हम वो पॉइंट तलाश करते हैं। बहुत मजे की चीज है, नहीं डर नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैंने लगवाया है, ट्रस्ट मी। अच्छा मैं लगवाऊं? नहीं नहीं मैं लगवाती हूँ, चलो मैं लगवाती हूँ, लगवा के दिखाती हूँ मैं। ओके, और सांस की तकलीफ के लिए क्या प्रेशर पॉइंट है? सांस की तकलीफ के लिए एक्यूपंक्चर ही कराइएगा। वो कैसे होता है? वो दो चार हाथ पर है, दो चार पैर पर है, दो चार हाथ पे, दो चार पैर पे। सनम को मैंने पहले भी लगाया था और वो निशान अब तक मौजूद है, बाकी है, हाँ। क्योंकि ये देखिए निशान मौजूद है और ये उसी पर मैंने रखा तो इसने पॉइंटर ने बोलना शुरू कर दिया कि निशान मौजूद है, इसलिए मुझे निकाल रही हूं और आप सबको खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये दोनों पॉइंट मौजूद है और मैं आपके सामने इसको सनम को बेटे को भी लगा दूंगा। ये तो वैसे ही है, मुझे पहना वो तो अंदर ये अब देखना ना, तुम इतना मजे का लगेगा। This is nice. वो अंदर लगाया ना? ये मैंने इसको साफ कर दिया। ये टिश्यू पेपर से कान को ड्राई किया। आपको नजर नहीं आ सकता, बिल्कुल नजर नहीं आ सकता, बहुत ही छोटा सा ये प्लैटिनम का स्टड है। अब यहाँ से आके देखिए, ये स्पॉट आपको नजर आ रहा है कान में, इसके मैंने पहले यहाँ बेटे के लगाया था और इसी जगह पर मैं ये स्टड दोबारा लगा रहा हूँ। इट्स डन।